मैं अयोध्या जाऊंगा और अपनी मुरेठा को खोलकर प्रभु श्री राम को समर्पित भी करूंगा और सर भी मुड़वाऊंगा। ये है सम्राट चौधरी, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद बीजेपी और जेडीयू की नई सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके डिप्टी के तौर पर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता भी चुना है। वे बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनते ही उनकी पगड़ी पर सबका ध्यान बार बार जा रहा है। हम सम्राट चौधरी के पगड़ी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कहा था कि वे इस पगड़ी को तब तक नहीं उतारेंगे जब तक कि नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देते। सम्राट चौधरी की पगड़ी पहनने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। एक बार बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से पूछा, पगड़ी क्यों पहनते हो? इस पर सम्राट चौधरी का जवाब था, आपको सीएम पद से हटाने के लिए। सम्राट चौधरी ने तब कहा था, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही मैं पगड़ी खोलूंगा, इसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। यह सब सुनकर नीतीश कुमार तब मुस्कुराने लगे थे। सम्राट चौधरी ने यह बयान सदन से बाहर आकर गेट पर भी दोहराया और उनके इस बयान के बाद उनकी पगड़ी बार बार जेडीयू को सम्राट चौधरी के संकल्प की याद दिलाती रही। लेकिन बिहार में अब सियासत ने करवट ले ली है और कल तक जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे और उन्हें सत्ता से हटाने की बात कर रहे थे, आज वे खुद उनके साथ सत्ता में शामिल हो गए हैं। वे नीतीश कुमार के साथ सरकार में आकर खुश हैं और पार्टी नेताओं को धन्यवाद कह रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे दो चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। आखिर सम्राट चौधरी जिस नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बात कर रहे थे, बीजेपी ने उनके साथ जाना क्यों स्वीकार किया? इसका जवाब आप सम्राट चौधरी से ही सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। हालांकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। बारी ने चौधरी को उनके पगड़ी न खोलने के संकल्प को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं, तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी पगड़ी इसलिए नहीं खोली क्योंकि उनका संकल्प जारी है, नीतीश को हटाने के बाद ही वे पगड़ी खोलेंगे। नीतीश के बीजेपी के साथ आने और बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के पगड़ी का अब क्या होगा, इस बारे में सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि वे इस पगड़ी का क्या करने वाले हैं। अपने पगड़ी को लेकर बड़ी बात आपने कही आज। देखिए एकदम बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं
और ये व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी में सिखाया गया व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, व्यक्ति से ऊपर पार्टी और पार्टी से ऊपर देश है, ये हमारे नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सिखाया है। इसलिए स्पष्ट तौर पर पार्टी के सम्मान के लिए मैं अयोध्या जाऊंगा और अपनी मुरेठा को खोलकर प्रभु श्री राम को समर्पित भी करूंगा और सर भी मुड़वाऊंगा। सम्राट चौधरी के बयान से साफ है कि नीतीश के साथ सरकार बनाने पर उन्होंने यह अपना संकल्प अब खत्म करने का फैसला किया है और अब उनके निशाने पर नीतीश नहीं बल्कि लालू यादव होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।